Welcome back, children, to the third part of the chapter. So, the name of the chapter is More on Text Paint. So, children, uh, in the last video, we just learned about only uh, four effects. Okay. Now, here we are going to learn many more. So, what the next? So, today's first effect name is Flower Effect. Okay. ट इज फ्लार इफेक्ट फ्लार इफेक्ट के नाम से पता चल रहा होगा कि इस इफेक्ट का क्या यूज है दैट मीन्स की वी हैव टू यूज दिस इफेक्ट फॉर ड्रॉइंग अ फ्लार इन अवर ड्रॉइंग सो चिल्ड्रेन डेट गेट स्टार्टेड इट इज रेडी मेड ऑप्शन टू ड्रा फ्लार्स ऑन द कैनवस आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस मैजिक टूल का यूज करते हैं तब आपको जहाँ पे भी फ्लावर्स की ज़रूरत है यू जस्ट यूज़ दिस इफेक्ट और उस फ्लावर वो रेडीमेड फ्लावर्स होंगे वो आपके कैनवस पे ड्रा हो जाएंगे ओके okay? सो so, इसके लिए लुक एट दिस इमेज यहाँ पे कई सारे फ्लावर्स हैं काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ड्रा हो चुके हैं या आपको दिख रहे होंगे जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ओके सो नाउ हाउ टू यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द फ्लाट टूल हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा फ्लाट टूल पे जो आपको टूल बॉक्स यानी कि मैजिक टूल सब टूल बॉक्स में मिलेगा देन विच इज़ सब टूल बॉक्स ऑफ मैजिक टूल सेम थिंग जो आपको मैजिक टूल के जो सब टूल एक मैजिक टूल यहाँ पे होगा और सब टूल यहाँ पे तो यहाँ से आपको एक फ्लाट टूल सेलेक्ट करना है देन सेलेक्ट ऑरेंज कलर फ्रॉम द कलर पैलेट आप वहाँ से कलर पैलेट से ऑरेंज कलर या फिर आपको जो भी आपके फेवरेट कलर्स हैं आप उसको चूज कर सकते हैं ब्रिंग द मैजिक वॉन्ड ओवर द ग्रास उसके बाद ग्रास पे उन्होंने उस मैजिक वॉन्ड को ले गए यानी कि माउस के थ्रू लेके गए और वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यानी कि वहाँ पे उसके बाद आप ग्रास एरिया जो आपका जो भी ग्रास एरिया है वहाँ पे आप सिंपली उसे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके फ्लावर्स वहाँ पे ऐड होते जाएंगे ठीक है तो आपको जिस जिस कलर के फ़्लावर्स चाहिए लाइक रेड येलो ऑरेंज ब्लू पर्पल वॉट एवर यू वॉन्ट आप वहाँ से कलर चूज़ करिए कलर बॉक्स से और अपने इस मैजिक वॉन्ट को उस ग्रास एरिया पे ले जाके क्लिक कर दीजिए जहाँ जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे आपके फ्लावर्स वहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट लाइक वाइज सेलेक्ट डिफरेंट कलर्स टू एड कलरफुल फ्लार्स ऑन द ग्रेस उसके बाद आप अपने कलरफुल ग्ला ग्रास पे सॉरी कलरफुल फ्लार्स के लिए अपने ग्रास पर आप कई तरीके के कलर्स यूज करके जो कि आप कलर बॉक्सेज यूज कर सकते हैं और अपने कलर्स फ्लार्स को ड्रॉ कर सकते हैं दिट इज़ वेरी क्यूट एंड सिंपल बिकॉज फ्लार uh, वैसे भी काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं और अगर आप उसको ड्रा करके अपने uh, जब भी आप उसे अपने ड्राॅइंग एरिया पर ड्रा करोगे तो इट मेक्स मोर ब्यूटीफुल मोर अट्रैक्टिव ओके सो नाउ वर्ड द नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ स्टैम्प टूल ठीक है स्टैम्प टूल क्या होता है स्टैम्प टूल नाउ इट इज़ अ सिंपल टूल यूज टू पुट आई स्टैम्प एंड एड इमेजेस इन योर ड्राॅइंग जैसे आपने स्टैम्प का नाम सुना है कि आ, कोई स्टैम्प है स्टीकर टाइप का ठीक है जस्ट लाइक दैट आप स्टैम्प टूल का यूज़ करके अपनी ड्राइंग में एक और पिक्चर ड्रॉ ऐड कर सकते हैं या फिर वहाँ पे एक स्टैंप ड्रा कर सकते हैं ठीक है सो हाउ इट वर्क्स टक्स पेंट ऑलरेडी हैज सम इनबिल्ट स्टैम्प जो पेंट है हमारा जो टक्स पेंट विंडो है उसके पास ऑलरेडी कई सारे स्टैम्प्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी उसके पास हैं आप बस वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ओके सो एडिशनल स्टैम्प्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट्स अगर आपको और भी स्टैम्प्स चाहिए तो आप यहाँ एक वेबसाइट दी हुई है दैट इज़ डब्लू 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 डॉट टक्सपेंट डॉट और ऑब्लिक डाउनलोड ऑब्लिक विंडोज इस दो लिंक्स uh, पे आप जाके वहाँ से स्टैम्प डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है एक ये दी हुई है एक ये दी हुई है यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्टैम्प uh, जो है अपने टक्स पेंट पे नाउ ऑन इंस्टॉलिंग द स्टैंप फाइल वी कैन यू सी वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प इन द सब टूल बॉक्स कई सारे स्टैम्प्स uh, ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि टक्सप्रिंट के पास ऑलरेडी रहते हैं अगर आपको और चाहिए होते हैं तब आप डाउनलोड कर सकते हैं तो जो स्टैम्प है वो कहाँ मिलेगा हमें सब टूल बॉक्स में ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें मैजिक टूल पे स्टैम्प टूल सेलेक्ट करना है देन चूज एनी वन स्टैम्प फ्रॉम द सब टूल बॉक्स वहाँ से कोई एक स्टैम्प हम टूल बॉक्स सेलेक्ट करेंगे ओके एंड क्लिक ऑन द राइट और अ लेफ्ट एरो उसके बाद जो राइट और लेफ्ट एरो है उस पर हमें क्लिक करना है दैट सेलेक्ट द कॉक स्टैम्प वहाँ पे एक कॉक स्टैम्प ड्रॉ हो जाएगा ठीक है कॉक व्हाट इज कॉक द मेल वर्जन ऑफ द हैंड ओके सो लुक एट दिस कॉक यहाँ पे एक स्टैम्प की तरह आपके पास ड्रॉ हो जाएगी ठीक है

इसका यूज़ इसलिए है कि आप उसके साइज़ को जो स्टैंप है उसके साइज़ को आप स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बार ओके नाउ सेलेक्ट द कलर्स पैलेट इन द सब टूल बॉक्स उसके बाद आप अपने स्टैम्प को स्टैंप जस्ट लाइक यू स्टीकर अगर आपने कोई ड्राॅइंग बनाई है तो उसमें आप एक स्टीकर ऐड कर सकते हो उस स्टीकर को आप कैसे यूज़ करना है कि जब आप स्टैम्प टूल पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टैंप्स ऑलरेडी मिलते हैं उसमें से कोई एक स्टैम्प सेलेक्ट करिए और उसको ऐड कर दीजिए अपने ड्राइंग एरिया पे फिर आप उसे लेफ़्ट और राइट एरो बटन से उसके सा जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज कर सकते हैं एंड स्लोप बार से आप उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं साइज ऑफ दैट स्टैम्प ओके now you can also change the color with the help of the color palette which is given in your uh, sub tool box okay now click on the canvas and the stamp will be pasted fir aap canvas pe click kariye aur usko paste kar dijiye select the hut stamp and paste on the canvas उसके बाद उन्होंने एक hut stamp choose किया और उसको canvas पे select कर दिया cock का stamp choose किया उसे कॉक पे सेलेक्ट कर दिया तो इस तरीके से आपकी जो ड्राइंग एरिया है वहाँ पे कई सारे स्टिकर्स और स्टाम्प ड्रॉ हो जाएंगे ठीक है नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज अबाउट मैजिक मिरर इफेक्ट मैजिक मिरर इफेक्ट क्या है को एक मिरर इफेक्ट आएगा ठीक है मिरर इफेक्ट दैट मीन्स कि किसी भी चीज़ आप मिरर इफेक्ट से क्या समझ रहे हैं मिरर में हमारी ही इमेज हमें दिखती है जस्ट लाइक दैट आपको एक फोटो की या एक स्टिकर की या एक स्टैम्प की दो इमेज आपको दिखेगी ठीक है नाउ व्हाट इज मिरर इफेक्ट सो वी कैन आल्सो यूज अ मिरर इमेज ऑफ द सेलेक्टेड स्टैम्प बाय चूजिंग द मिरर ऑप्शन हम उस स्टैंप का मिरर ऑप्शन

फिर मिरर इमेज का यूज करके लेफ्ट और राइट आपको किस तरफ इमेज चाहिए वो आप चूज कर लीजिए इस एरो से एंड देन स्टैम्प हेयर तो लुक एट दिस टू कॉक्स आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर जस्ट लाइक द मिरर इमेज ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक uh, पहले से है और मिरर इमेज उसकी बनके सामने आ गई जैसे हमें मिरर में दिखती है ठीक है जस्ट अपोजिट

What's the द नेक्स्ट द नेक्स्ट इज़ अ ब्रश पैटर्न्स do डू यू मीन brush ब्रश पैटर्न्स ब्रश kya है पेंट टूल में हमें बहुत सारे ब्रशेज मिलते हैं ठीक है अब वो जो ब्रशेज़ हैं कई तरीके के ब्रशेज होते हैं कई सारे शेप्स होते हैं वैसे ही हमें उसके पैटर्न्स मिलते हैं अगर हम कोई भी एक ब्रश पैटर्न चूज़ करते हैं तो जो हमारी इमेज है जो हमारी ड्राॅइंग है उस पर उस पैटर्न पर ड्रॉ होने लग जाएगा उसका जो टेक्सचर होगा वो चेंज हो जाएगा तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे जस्ट हैव अ लुक नाउ टक्स पेंट अस एन ऑप्शन टू ड्रॉ ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग द पेंट टूल जो टक्स पेंट है हमें एक ब्यूटीफुल पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मिलती है मतलब प्रोवाइड करती है हमें सो नाओ वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द पैटर्न शेप्स फ्राम द सब टूल बॉक्स सब टूल बॉक्स में बहुत सारे पैटर्न अवेलेबल हैं आप वहाँ से एक पैटर्न चूज कर सकते हैं एंड us सी हाउ many beautiful patterns कैन we वी कैन मेक बहुत उसके बाद आप वहाँ पे देखोगे बहुत सारे पैटर्न्स uh, हैं आप उसमें से कोई भी एक ब्यूटीफुल पैटर्न चूज कर लीजिए और उससे अपनी ड्राइंग ड्रॉ कर लीजिए नाउ हाउ इट इज यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द पेंट टूल हमें सबसे पहले पेंट टूल सेलेक्ट करना है देन नाउ यू विल सी द ब्रशेस फिर आप ब्रशेस पे सेलेक्ट करोगे एंड देन सब टूल बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड ये आपके राइट हैंड साइड में कई सारे टूल बॉक्स सॉरी ब्रश पैटर्न्स आ जाएंगे ठीक है एंड सेलेक्ट द फिल्ड सर्किल शेप यहाँ पे फिल्ड जो सर्किल वाला शेप था उन्होंने वो वाला ब्रश यूज़ किया है कि एक सर्किल है उसके अंदर फिल्ड है नाउ चूज ब्राउन कलर फ्रॉम द पैलेट फिर उन्होंने ब्राउन कलर यहाँ से चूज किया एंड देन ड्रॉ द स्टेम्प ऑफ द ट्रीज फिर उन्होंने ये स्टेम्प ड्रॉ कर दी है ट्रीज की ठीक है नाउ स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द वाइन शेप सेलेक्ट ग्रीन कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट फिर उन्होंने यहाँ से वाइन शेप जस्ट लाइक दिस वाइन शेप का एक ब्रश उठाया और वहाँ से ग्रीन कलर चूज किया कलर पैलेट से और ये सारे ग्रीन कलर इन्होंने फिल कर दिया ट्रीज़ की बनाई है ठीक है नाउ अब ये कैसे बना जस्ट मूव योर पॉइंटर टू द ड्राॅइंग एरिया अपने कलर uh, चूज कर लिया ग्रीन वहाँ से आप अपने पॉइंटर को ड्राॅइंग एरिया पर लेके आइए एंड जस्ट ड्रॉ द लीव्स बाई क्लिकिंग द स्टेप उसके बाद आप क्लिक करते जाइए आपके जो लीव्स uh, हैं वो ड्रॉ होती जाएंगी ठीक है एंड यू विल सी अ ब्यूटीफुल ट्री एज शोन इन द फिगर और इतने प्यारी तरीके से ये वाइन शेप की जो लीव्स हैं वो बन के आ जाएंगी ठीक है नाउ सिमिलरली मेक अदर ब्रश शेप्स एंड सी हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स यू कैन ड्रॉ और ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस कई सारे पैटर्न्स दिए हैं आप उसमें से हर एक पैटर्न का यूज़ करके देखिए कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये दिखता है ड्रॉ करने के बाद ठीक है सो चिल्ड्रेन दिस इज़ ऑल अबाउट योर सम इफ़ेक्ट्स दैट इज़ फ्लावर इफ़ेक्ट फ्लावर बनाने के लिए फ्लावर इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हैं स्टैम्प इफेक्ट अगर आपको कहीं स्टाम्प ऐड करना है या स्टीकर ऐड करना है तो या कोई इमेज ऐड करनी है तब आप स्टाम्प टूल का यूज़ कर सकते हैं फिर अगर आपको किसी भी स्टैम्प का या किसी भी इमेज का मिरर इमेज चाहिए तो आप मिरर इफेक्ट यूज़ कर लीजिए और लास्ट है हमारा ब्रश पैटर्न अगर आपको ब्रश पैटर्न कई तरीके के हैं पेंट टूल में आप ब्रशेस के पैटर्न चेंज करके उस पेंट के टेक्सचर uh, को चेंज कर सकते हैं सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इन इफ़ेक्ट्स का क्या यूज़ है और किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने टक्स पेंट में एंड हाउ टू मेक Uh, how to use these effects to make our drawing more attractive and beautiful? So, thank you and have a nice day.